इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद अनोखा स्वाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है मंत्रिमंडल का विस्तार और विपक्ष का वार। भारतीय जनता पार्टी ने लंबी जद्दोजहद के बाद कल मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया और जैसा कि उम्मीद थी वही हुआ। दलितों और पिछड़ों को लुभाने की भरपूर कोशिश की गई। जिस तरह से केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जुलाई में और उसमें ये नारा दिया गया कि अब की बार पिछड़ों की सरकार, वहाँ 7 मंत्री बनाए गए, वो उसमें भी 1 ब्राह्मण और बाकी सब दलित और पिछड़े बनाए गए। उत्तर प्रदेश में भी वही फार्मूला अपनाया गया। यहाँ भी जितिन प्रसाद को छोड़ करके बाकी के जो 6 मंत्री बने उनमें 3 OBC, 2 दलित और 1 ST का मंत्री यहाँ पर बनाया गया। साधने की कोशिश की गई, सारे समीकरण बनाने की कोशिश की गई, जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सत्ता पक्ष की इन कामयाबियों को विपक्ष का करारा जवाब मिल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भाई 3 महीने के लिए मंत्री क्यों बनाए, क्यों इससे पहले नहीं बनाए। संजय सिंह कह रहे हैं कि ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल मंत्री हैं, 3 महीने के मंत्री हैं, इसमें ना उनको अपने विभाग का बजट मिल पाएगा, ना ही वो किसी अधिकारी को समझ पाएंगे, आखिर वो करेंगे क्या करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस भी हमलावर है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पर इस बात को लेकर के हमलावर है। अब सवाल ये उठा कि कांग्रेस तो अच्छी नीयत से, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी तो अच्छी नीयत से काम कर रही है, वो दलितों पिछड़ों को पूरा जो वो दे रही है, अपना कंट्रीब्यूशन ले रही है और उनको पूरा महत्व दे रही है, लेकिन विपक्ष को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये क्या बात है 3 महीने के लिए ही बनाया। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने जब दलितों और पिछड़ों को उनका प्रतिनिधित्व दिया तो विपक्ष को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अब ये विपक्ष को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि या सत्ता पक्ष की ये लोक लुभावन चाल है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको, जो रिपोर्ट आपको समझाएगी कि आखिर ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ क्यों और इसके पीछे कारण क्या थे, साथ ही विपक्ष क्यों हमलावर है और कैसे हमलावर है, इस बात की भी पड़ताल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष की नाराजगी क्या है। क्या वो इसलिए नाराज है क्योंकि दलितों पिछड़ों को प्रतिनिधित्व मिल गया, या वास्तव में 3 महीने के लिए मिला है और उसकी नाराजगी जायज है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में रविवार को 7 नए मंत्री शामिल हुए। इनमें जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री जबकि अन्य को राज्य मंत्री बनाया गया है। विधानसभा चुनाव से मात्र 5 महीने पहले किए गए कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने सभी जातियों का पूरा ध्यान रखा। विपक्ष ने योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसा है। उसका कहना है कि विधानसभा चुनाव में हार के डर से की गई सत्तारूढ़ पार्टी की ये कवायद उसके किसी काम नहीं आएगी। देखिए, समीकरण के आधार पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती। बीजेपी अपने क्रिया और कर्म के आधार पर, अपने काम के आधार पर, अपने विकास की यात्रा के आधार पर काम करती है। आज गन्ने का रेट हमने बढ़ाया है, MSP को हमने बढ़ाया है। अब जब हम सरकार में आए थे, आते ही पहले मंत्रिमंडल में हमने किसानों का ऋण माफ कर दिया था, तब तो कोई चुनाव नहीं था। सरकार पहले दिन से लेकर आज तक जनता के हित में, किसानों के, छात्रों के, व्यापारियों के, सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का कहना है कि 4 महीने पहले हुए पंचायत चुनाव में झटका लगने के बाद बीजेपी को समझ आ गया है कि वो जनता से कितनी दूर हो गई है। हताशा में वो जातिगत समीकरण साधकर इस दूरी को पाटने की कोशिश कर रही है, मगर इससे उसका कोई भला नहीं होगा। इतने कम समय में ये मंत्री क्या काम करेंगे, इन्हें तो अपने विभाग का बजट भी नहीं मिल पाएगा।
जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा, तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो, क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो प्राइवेट हुई जा रही हैं, क्या प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण होगा? उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि ये चुनावी मंत्रिमंडल विस्तार जनता के हित में काम करने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी द्वारा अपना चुनावी हित साधने के लिए किया गया है, मगर जनता सत्तारूढ़ पार्टी की नीति और नियत से पूरी तरह वाकिफ हो चुकी है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा, योगी आदित्यनाथ सरकार का बहुप्रतीक्षित संविदा मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 3 महीने के लिए संविदा पर रखे गए मंत्रियों के बारे में चर्चा है कि दिसंबर में जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तब ये मंत्री क्या करेंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी को आखिर दलित और पिछड़े लोग संविदा पर ही क्यों मिलते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार ठीक उस तरह से जैसे किसी कंपनी की खटारा बस बंद हो चुकी हो, उसे दूसरी कंपनी के कल पुर्जों को लाकर स्टार्ट करने की कोशिश की गई हो। हो सकता है इनकी बस आज स्टार्ट हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सड़कों को इतना खस्ता हाल कर दिया है, यहाँ की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया है कि बस स्टार्ट हो सकती है, चलती दिखाई पड़ सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी वहां तक पहुंचा पाना उसकी बस की बात नहीं रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को संविदा मंत्रिमंडल विस्तार कहूंगा, क्योंकि दिसंबर में या जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, तो 3 महीने के लिए मंत्री बनाए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दावा कर रही है कि दलितों को सम्मान दे दिया, पिछड़ों को सम्मान दे दिया, अति पिछड़ों को सम्मान दे दिया, आदिवासियों को सम्मान दे दिया। 4.5 साल तक, 4 साल 7 8 9 महीने तक सारे गुनाह और पाप भारतीय जनता पार्टी करेगी। मंत्रिमंडल विस्तार के तहत जितिन प्रसाद समेत 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है जो कि ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं। बाकी राज्य मंत्री बनाए गए हैं पलटू राम और दिनेश खटीक अनुसूचित जाति के, और संजीव कुमार गोंड अनुसूचित जनजाति के हैं। इसके अलावा छत्रपाल गंगवार, धर्मवीर प्रजापति और संगीता बलवंत पिछड़े वर्ग से आते हैं। ये मंत्रिमंडल विस्तार ऐसे समय किया गया जब प्रदेश विधानसभा चुनाव को महज 5 महीने बाकी रह गए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि इस विस्तार से बीजेपी को क्या लाभ हो सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, 3 महीने के लिए मंत्री बनाए गए हैं और विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। क्यों है विपक्ष हमलावर, ये समझने की कोशिश करेंगे। और सत्ता पक्ष क्या जो जाति समीकरण बना करके अपना कामयाबी के शिखर पर चढ़ना चाहता है वो कामयाब हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें दीपक सोनकर जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है दीपक सोनकर जी आपका। आर ए उस्मानी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आर ए उस्मानी साहब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। बहुत स्वागत है आर ए उस्मानी साहब आपका भी। अजय चंद चौबे साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है जुड़ चुके हैं। आकाश मिश्रा जी हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है आकाश जी। और उदय यादव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। भाई दीपक सोनकर जी, यहाँ जो सारे विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि कोई कह रहा कि कॉन्ट्रेक्चुअल मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, संजय सिंह कह रहे हैं कि संविदा पर रखे हैं 3 महीने के लिए, बजट है नहीं और अभी वो समझेंगे कब और काम कब करेंगे, ये सिर्फ आप लॉलीपॉप दे रहे हैं,
कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब लोग आप पर निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद आपका, आपने हमको इसमें आमंत्रित किया। और ये मंत्रिमंडल विस्तार के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी बात है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ साथ हर वर्ग को भी सम्मान मिलना चाहिए, तो युवा का क्षेत्र हो चाहे वो महिला का क्षेत्र हो चाहे वो किसी जाति वर्ग का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर वर्ग के सम्मान को लेकर के आज ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, और हम क्षेत्र की भूमिका हो हर व्यक्ति को सम्मान मिल सके ऐसे इन सब विषयों को लेकर के आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। जी मेरी आवाज आ रही है? आकाश मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि वो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, हर वर्ग का योगदान हो, हर वर्ग आगे बढ़ सके, इसके लिए उन्होंने ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। देखिए मुझे लगता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित अति पिछड़े इतने समझदार हैं कि 4.5 साल तक उनकी उपेक्षा करी गई, उनको किसी मंत्रिमंडल में स्थापित नहीं किया गया, बल्कि इसके अलावा उनके ऊपर अत्याचार किए गए। सबने देखा हाथरस में किस तरह दलित बेटी के साथ कांड हुआ, रात में 3 बजे जला दिया गया। सबने देखा इलाहाबाद में किस तरह दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ। सबने देखा किस तरह पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ। और वो जो 59,000 शिक्षा भर्ती थी उसमें सबने देखा कि किस तरह पिछड़ों के अधिकार को मारने का काम किया गया। इसी तरीके से जो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि ये 3 महीने के संविदा पर, ये तो कोई भी समझ सकता है कि ये सिर्फ नाम के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा मैं इनकी एक मनुवादी सोच को और जाहिर करना चाहता हूं। आप देखिए कि एक चेहरा ये ब्राह्मण का लाए, इन्होंने सोचा कि शायद ब्राह्मण खुश हो जाएगा, लेकिन इन्होंने ये समझने की कोशिश नहीं करी कि जतिन प्रसाद ब्राह्मणों का कब से नेतृत्व करने लगे। ये तो वो खा रहे हैं जो इनके पिताजी, मैं मानता हूं इनके पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी एक जमीनी नेता थे, और शायद जतिन प्रसाद की तो आज वो भी हैसियत नहीं बची कि उनकी चाची को, अपनी चाची को जिला पंचायत चुनाव नहीं जिता पाए, खुद चुनाव नहीं जीत पाए, ब्राह्मण चेतना मंच भी बनाया वो भी इतना ब्राह्मणों के लिए काम नहीं आ पाया, थोड़े दिन चिल्लाया। दूसरी बात आप सुनिए, इनकी मानसिकता देखिए, इन्होंने एक प्रजापति भी रखा है, उसको जो है माटी से संबंधित मंत्रालय दे दिया है, तो मतलब ये अभी भी जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। और ये जो लॉलीपॉप थमाया है, इसमें से कोई ऐसा चेहरा बता दीजिए जिसने अपनी जाति के लिए काम किया हो और जो बड़ा नाम हो अपनी जाति के लिए काम करने का। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये मंत्रिमंडल विस्तार बाद की बात है। तीसरी बात, मैं एक बात अपनी छोटी सी कंप्लीट कर दूं। आपको याद होगा मोदी जी ने एक आईएएस ऑफिसर को रिटायरमेंट दिलवा के 2 साल पहले भेजा था, अरविंद शर्मा जी को, जो आज शायद इसीलिए इतना इनको विलंब हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार करने में, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इन लोगों की जो रार चल रही है। आपको बता दें अरविंद शर्मा जी जो आईएएस थे और जो मोदी जी के साथ गुजरात कैडर से जुड़े हुए हैं, उनको 16 उपाध्यक्ष की जगह एक 17 उपाध्यक्ष बना दिया गया, और योगी जी ने आज भी उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, और शायद ये रार आगे तक जाएगी। देखना ये होगा कि आग कहां तक लगेगी और कहां तक फैलेगी। ठीक है, अजय चंद चौबे जी क्या कहेंगे आप? जी मुझे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता महोदय जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, मुझे एक प्रश्न था कि क्या खून के आंसू बहाते हुए किसान जिनको 300 लगभग 15 दिन हो चुके हैं, क्या नहीं? अजय चंद जी, अजय जी माफ, अजय जी माफ करिएगा, हम इस समय बात कर रहे हैं, अजय जी माफ करिएगा, हम इस समय बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की और आपके वार की। जी मैं इससे भी आ रहा हूँ, और ये बहुत ही दुखद घटना है कि 1947 मतलब आजादी के बाद से किसी भी राजनीतिक दल की सरकार ने ऐसा नहीं किया जो कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी ने समाज और राष्ट्र को तोड़ने के लिए किया। 1947 के बाद से पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जो पिछली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो उनके मंत्रियों के लखनऊ में जो होल्डिंग लगे थे वो उसमें ये स्पष्ट था कि ये फला जाति के मंत्री हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, क्या आपके पास उत्तर प्रदेश और देश की जनता के मंत्री नहीं है, नहीं बनाए? आप एक जाति विशेष के मंत्री बनाते हैं। क्या उन मंत्रियों के बन जाने से उस जाति के लोगों को जो गैस सिलेंडर 900 रुपया में मिल रहा है, क्या वो 100 रुपया में मिलने लगेगा? नहीं, नहीं, महंगाई की बात है, तो इतना महंगा हो गया है, 200 रुपया के ऊपर हो गया है, क्या वो 100 रुपया में मिलने लगेगा? उनकी गृहस्थी चलने लगेगी, उनके बच्चों की फीस जमा होने लगेगी, उस जाति के लोगों के घर में क्या खुशहाली आ जाएगी? ठीक है, ठीक है। 4.5 साल में भारतीय
जनता पार्टी के पूरी कैबिनेट जब पूरे प्रदेश को जंगल राज में झोंक दी और आर्थिक बदहाली और तंगी में आज पूरा प्रदेश गुजर रहा है और पूरे प्रदेश और देश को ही कैशलेस कैशलेस ठीक है अजय जी, बात हो गई आपकी, आपका समय समाप्त है जी। ठीक है, समस्याएं 3 महीने में कैसे हो जाएंगी? ठीक है, तो जनता ठीक है, आप दूसरी समस्याएं गिनाने लगे अजय जी, हम उन समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे, आएंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है, संतों की हत्या होनी बंद हो, ठीक है भाई अजय जी, आपकी बात हो गई। अरे आपका जो टाइम अलॉटेड था वो टाइम समाप्त हो गया भाई, एक नियम है डिबेट का। उस्मानी साहब क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि आज विपक्ष जो हमलावर है वो तो है ही है, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो दसियों साल से इनके साथ लगे थे, वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई गई थी, आज वो हाशिए पे पड़े हुए हैं, और जो दल बदलू लोग हैं जो दूसरे दलों से कांग्रेस पार्टी से या दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं, उनको मंत्री पद दे करके उनको सुशोभित किया जा रहा है, तो भाजपा की कार्यकर्ता खुद ही अपने को कुंठित महसूस कर रहे हैं। जहां तक रही पिछड़ों की और दलितों की बात, किसी एक व्यक्ति को राज्य मंत्री की क्या हैसियत होती है ये हमको मालूम है, मैं रहा हूँ सरकार में, मेरी हैसियत पता थी मुझको मेरी क्या हैसियत है। पिछड़ों और दलितों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को राज्य मंत्री बना दिया गया, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो कैबिनेट मंत्री बना दिए गए, जो दल बदलू थे। तो आज स्थिति बड़ी गंभीर है, स्थिति गंभीर यह है कि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, सारे वर्ग के लोग परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी परेशान है, जो दसियों साल लड़े मरे उसके बाद अब सरकार बनाई, वो सोच रहे थे हमको मौका मिलेगा, लेकिन पूरे देश में, उत्तर प्रदेश ही छोड़ दीजिए, पूरे देश में दल बदलुओं का की बल्ले बल्ले है। दल बदलू चाहे वो माधवराव सिंधिया जी के बेटे हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे जो हो, वो सारे लोग जो है दल बदल करके जो है मौज और मलाई काट रहे हैं, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे लोग जो सीनियर भाजपा के नेता थे वो खून के आंसू रो रहे हैं। तो अगर दल बदलुओं के ऊपर के सहारे ये सोच रहे हैं कि हम नैया पार कर लेंगे, तो ये तो इनकी भूल है। मानी साहब ठीक है, बात हो गई आपकी, दल बदलुओं को सब अब कुछ दिया जा रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आएंगे आपके पास में। उदय जी देखिए, सच ये है कि चूंकि पिछड़े समाज में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारी नाराजगी है, पिछले जो अभी जिला पंचायत चुनाव हुए हैं उससे ये जाहिर हो गया है कि भाजपा का अगर यही नाराजगी बनी रही जनता की भाजपा के प्रति, तो भाजपा साफ हो सकती है। तो उस नाराजगी को कम करने के लिए ये कोशिशें हैं, इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछड़ों को शामिल किया गया और योगी मंत्रिमंडल में उनको जगह दी गई। लेकिन योगी जी ने जो जगह दी है वो तो एक मजाक के तौर पर है, वो सिर्फ 3 महीने जब चुनाव में बचे हों तो कोई भी मंत्री क्या कर सकता है सिवाय खुद के लिए ये साबित करने को कि वो चुनाव आगे भूतपूर्व मंत्री हो जाएगा या अपने घर खुशी मना लेगा, बाकी अपना भला कर सकता है, समाज का तो भला नहीं कर सकता, वो उस जाति का भी भला नहीं कर सकता जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऐसे में सबका साथ सबका विकास वाली बात इनकी पूरी नहीं होती। ये जो लॉलीपॉप दिया गया है ये मात्र जातियों को भ्रमित करने के लिए दिया गया है चुनाव के समय, क्योंकि जनता में जो नाराजगी है वो किसी तरह कम हो, लेकिन वो कम नहीं हो रही क्योंकि इन्होंने विकास नहीं किया, उनको कोई सुविधा नहीं दी उनके जीवन में सुधारने के लिए, उल्टे जो पिछड़ों को आरक्षण दिया जाता था वो पूरा नहीं दिया जा रहा, उनके पद दूसरों को दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो कोशिशें हैं वो हड़बड़ाहट में की जा रही हैं, जिनका परिणाम अच्छा नहीं बल्कि विपरीत होगा, जनता सब जानती है और वो सब देख रही है। ठीक है, बूमरैंग हो जाएगा ये। दीपक सोनकर जी, आपने सारे लोगों को सुना और उदय जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? मैं सभी मित्रों के विषय का जवाब देना चाहता हूं। एक नई अंत्योदय की परिभाषा दी गई है, अंतिम पायदान पर खड़े हुए कुछ ऐसी जातियों को भी इस बार सम्मान दिया गया है जो 70 सालों से कहीं पीछे बैठी थी, और आज उनकी भी भूमिका हर स्थान पर होना चाहिए। दीपक सोनकर जी, दीपक सोनकर जी सवाल सुन लीजिए भाई, बहुत बोल लिया, आप सवाल भी सुन लीजिए। सवाल ये है कि अंतिम पायदान पर जब 70 साल से व्यक्ति खड़ा है तो आपको 4.5 साल तक याद क्यों नहीं आई? मैं इस बात का भी संविधा पर मंत्रिमंडल विस्तार जी, आप सुन लीजिए, आप जवाब भी सुन लीजिए जी। जब एक सम्मान की बात आती है तो वो 2 महीने का नहीं होता,
वो एक साल का नहीं होता, वो एक घंटे का नहीं होता। सम्मान एक व्यक्ति का सम्मान होता है। मतलब सम्मान ये है कि चार महीने आप सम्मान दीजिएगा और साढ़े चार टन तक अपने आप मनमर्जी काम कीजिएगा। वादों को निभाया है, साढ़े चार टन तक बेवकूफ बनाएगा विपक्ष कह रहा है, और पार्टी की तरह इसी वादे को निभाने का पूरा। अरे भाई, थोड़ा सम्मान केशव मौर्य जी को दे दिया होता जो पिछड़ी जाति के हैं। पूरा सम्मान, पूरा सम्मान है, पूरा सम्मान है हमारे उप मुख्यमंत्री का। पूरा सम्मान है, पूरा सम्मान है, आपको बताना चाहता हूँ। आप किस सम्मान की बात कर रहे हैं? सम्मान जहां की जहां तक बात है तो उत्तर प्रदेश की सरकार में सिर्फ योगी जी और दो चार ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके सिवा किसी की चलती नहीं है। क्योंकि जो बेचारे तीन महीने के लिए मंत्री, इनकी कहां से चल जाएगी और कितना काम कर लेंगे ये अपने समाज के लिए? आप किसको समझा रहे हैं? हाँ जी, हाँ सोनकर जी, सरकार की योजना पर बात करेंगे। दीपक सोनकर जी, सवाल ये है कि तीन महीने में वो करेंगे क्या? वो अपना विभाग ही नहीं समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे, यही विपक्ष का आरोप है। अरे दीपक जी, ये बताइए कि तीन महीने में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति आगे कैसे आ जाएगा? तो बिल्कुल आएगा, उन विषय के सरकार के सारे मुद्दों को, जो सरकार के क्षेत्र में काम करने वाले विकास की योजनाएं है, उन योजना को तीन महीने के अंदर जनता के अंदर बताने का काम करेगा और उन्हें जो सम्मान दिया गया हर क्षेत्र में बताने का काम करेगा। मतलब तीन महीने जा करके बताएगा, आपकी सरकार बनाएगा और अगले साढ़े चार साल भूल जाएगा। क्यों भूल जाएगा भाई साहब, पूरा काम करेगा। जी तो सवाल तो यही विपक्ष उठा रहा है ना, आपने ये कॉन्ट्रेक्चुअल मंत्रिमंडल विस्तार क्यों किया? आपको अगर विस्तार करना था दो साल पहले करते, 19 में किया था उसी में दे देते सब कुछ। मैंने आपको जवाब दिया कि हर वर्ग की भूमिका इसमें तय की गई है, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी लाया गया, युवा के क्षेत्र का बात हो या महिला के क्षेत्र बात हो। और जहां बात आप तीन महीने, एक महीने, दो महीने की है, अभी समय है, प्रयास करके जाने का काम करेंगे। अभी आप मौका तो दीजिए, आपने घोषणा हुई नहीं, दूसरी विरोधी पार्टियां तैयार हो गई, आप समय देने का बात कर रहे हैं। सम्मान की बात मैंने आपको बताया ना कि जब तो वह एक घंटे की हो, दो घंटे की, आपने जो दल बदलू है, एक ब्राह्मण को कैबिनेट मंत्री बना दिया, नौ कालीदास मार्ग आवास आवंटित कर दिया, और ये जो छह ओबीसी एसटी और एसटी के लोग हैं उनको राज्य मंत्री बनाया आपने। देखिए, जहां जिसकी भूमिका सुनिश्चित हुई वहां उसको बनाया, जहां जिसकी भूमिका सुनिश्चित हुई, जहां जिसकी आवश्यकता कार्य अनुसार लगा उनको वहां बनाया गया हमारे पार्टी। और दूसरे लोग अगर उसकी बात करते नहीं, हैं, तो अगर आप थोड़ा पहले बनाते तो ये सवाल ना खड़े होते ना। साल में ना हो पाया वो छह महीने में करके दिखाया, इसी की बौखलाहट है। तो डिस्प्यूट था, वो साठ साल में ना हो पाया वो छह महीने में करके दिखाया, उसी की बौखलाहट है और कुछ। बेचारे अरविंद शर्मा आईएएस की नौकरी छोड़कर आए और उनको 17वां उपाध्यक्ष बना दिया आप उसको। ठीक है दीपक, शिक्षा लेकर संगठन में हमारे दीपक सुनकर दीपक ये भी कह रहा कि आपको हार का डर सता रहा था, इसीलिए आपने आनंद आनंद में यह विस्तार किया। जनता में एकदम एक विषय है, विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी और विकास के तौर पर ही काम करेगी और विकास के मुद्दे पर ही जनता उनको चुनेगी। ये झूठे वादों से, झूठे करे हुए इरादों से नहीं करने वाली है। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, विकास इतना किया है तो ये जातीय सम्मेलन क्यों, जातीय समीकरण साधने की जरूरत क्यों? भाई साहब मेरी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, जातियों के आधार पर चुनाव ना काम करेगी। अरे जाति समीकरण साधने की आपको जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं जाति समीकरण नहीं, मैंने बताया ना सभी वर्गों का वही योगदान इसमें हो, इसीलिए समझ लें। आपकी केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार होता है, वहां से आवाज आती है कि अब की बार पिछड़ों की सरकार। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, यहां से ध्वनि आती है अब की बार पिछड़ों दलितों की सरकार। आखिर ऐसा क्यों? देखिए प्रदीप जी, इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जी। आपको याद होगा जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो योगी जी का चेहरा कहीं आसपास नहीं था, पिछले केशव मौर्य जी के चेहरे पे वो चुनाव लड़ा गया था और जनता ने इनको भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन देकर 325 सीटें पूरे गठबंधन के साथ इनको सरकार बनाई थी। आपको याद होगा योगी जी जिस कमरे में बैठते हैं उसके बगल वाले कमरे में केशव मौर्य जी की अपनी जो नेम प्लेट लग गई थी, जो किसी जमाने में जब मुख्यमंत्री मायावती जी थी तो उनके जो आईएएस ऑफिसर थे उनका नाम क्या था, नेत्राम जी, हाँ उनका कमरा था, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही बढ़िया कमरा, तो केशव मौर्य जी ने वो वहां पर अपनी नेम प्लेट लगवा दी थी।
और उस नेम प्लेट को एक दिन लगने के बाद ही वो नेम प्लेट उखाड़ दी गई थी, आपको याद होगा। और उसके बाद केशव मौर्य जी का किस तरीके से उनको किनारे किया गया, आरएसएस के कहने पर किस तरीके से 100 मीटर की दूरी योगी जी 4 साल बाद कवर कर पाए थे, उनके घर गए थे। तो ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। इस मंत्रिमंडल में भी मैंने आपको बताया कि एक ब्राह्मण जो खुशी दुबे के खिलाफ आवाज उठा रहा था, आज उसको आपने मंत्री बना दिया तो क्या खुशी दुबे के खिलाफ आवाज नहीं उठेगी? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो आदमी जिसने इनको विधानसभा लोकसभा के चुनाव में 71 सीटें दिलवाई, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्या वो ब्राह्मण चेहरा नहीं थे? जो स्कूटर पे बैठ बैठ के भारतीय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जितने, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी के सगे नहीं हुए तो ये किस ब्राह्मण की बात करते हैं और किस ब्राह्मण की बात करते हैं। चलिए, वक्त एक ब्रेक का चला है, हम आएंगे आपके पास में, पूरा जवाब लेंगे सोनकर जी, दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दीपक सोनकर जी कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा और हर व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाई जाएगी जो लाइन में खड़ा है। दीनदयाल उपाध्याय की जो फिलॉसफी थी उस फिलॉसफी को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर 4.5 साल बाद, और वो भी जब तब चुनाव के 3 महीने बचे हैं, तब जातियों का समीकरण साधने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये हार का डर सता रहा है इसलिए ये समीकरण बनाए जा रहे हैं? हम चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। तक धुम दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट धुम धुम तक धुम दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट धुम धुम तक धुम धुम तक इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है, हर रविवार डेंगू पर वार। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद अनोखा स्वाद। किसानों की बढ़ी आमदनी, युवाओं को मिला रोजगार, उत्तराखंड सरकार का मिशन जलागम ने किया साकार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सेब उत्पादन के जरिए लोगों की आय और रोजगार के साधन बढ़ाने में शानदार कामयाबी पाई है। राज्य सरकार और जलागम की कल्याणकारी परियोजनाओं के सहयोग से आज सैकड़ों किसान पहाड़ में उन्नति और खुशहाली की मीठी फसल उगा रहे हैं। सेब की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता को निखारने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। टिहरी जिले में नैनबाग के जौनपुर विकास खंड का ये है थुरैटी गाँव, जहाँ आज दर्जनों किसान उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन और जलागम ग्राम्य फेज 2 परियोजना के अंतर्गत सेब की खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर इन किसानों को सिंचाई की सुविधा, उच्च क्वालिटी के बीज और पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतरीन ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, पौधरोपण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग में भी अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग दिया, जिससे आज पहाड़ के किसान खुशहाल हो रहे हैं। जलागम परियोजना ने अभूतपूर्व सफलता पाकर बदली पहाड़ की तस्वीर। राज्य सरकार सामुदायिक सहयोग से बदल रही सेब किसानों की तकदीर। सुपर चीप, रेड वोलोक्स, गाला और जेरोमाइन की हो रही पैदावार। किसानों को रोपण, ग्रेडिंग, पैकिंग के साथ मार्केटिंग की मिली ट्रेनिंग। जलागम विभाग द्वारा हमको एक ट्रॉली दी गई, जिससे हमारा ढुलान में बहुत आसानी हुई। पिछली बार इन्होंने रूट स्टॉक के पेड़ भी दिए,
और उसके बाद जो है फिर सील्डिंग वाले पेड़ जो ग्राफ्टेड हैं वो भी दिए हैं, ग्रेटिंग पैकिंग ऑल वो भी दिया गया है और ग्रेटिंग वाली मशीन दी गई है। अन्नदाता खुशहाल होगा तभी राज्य में खुशहाली आएगी, इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। मिल रहा सबका साथ सबका विश्वास, हो रहा सबका विकास, उत्तराखंड खुशहाल बने राज्य सरकार का यही है प्रयास। जुबाई के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं और हम अजय चौबे जी के पास, अजय चंद्र चौबे जी के पास चले। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि भाई आप लोग नाहक परेशान हो रहे हैं, जब दलितों और पिछड़ों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है तो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इतना देर से क्यों याद आया, साढ़े चार साल बाद इनको, इसके पहले क्यों नहीं याद आया? अरे भाई जब जागे तभी सवेरा। और कांग्रेस आखिर दिया तो ना, कांग्रेस पार्टी ने तो बाबू जगजीवन राम, सुशील कुमार शिंदे जी और अभी पंजाब के चन्नी जी को प्रतिनिधित्व दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तीन नाम से आगे आप बढ़ पाएंगे कभी? क्या चीफ मिनिस्टर बाबू ने, बाबू जगजीवन राम और इन तीन नाम से ऊपर कभी ऊपर उठ पाएंगे, बढ़ पाएंगे? प्रसाद जी थे, महावीर प्रसाद जी थे और भी बहुत सारे लीडर है। 55 साल राज किया आपने, कितने मुख्यमंत्री बना दिए दलितों और पिछड़ों के, जरा बता दीजिए वर्तमान को छोड़ करके। जी दलितों और पिछड़ों के 55 साल में अनेक मुख्यमंत्री बने। आप मुझे एक नाम बताइए, एक नाम, एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए। अभी वर्तमान में राजस्थान, नहीं वर्तमान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अब तो आपकी मजबूरी है। पटेल समाज से भूपेश बघेल, अभी मैं वर्तमान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ आपने 55 साल पहले से पहले राज किया, आप एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए, एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो जो दलित और पिछड़ा हो। जी मुझे लगता है कि शायद ये बहस हम लोग थोड़ा गलत दिशा में जा रहे हैं। ना, ना, पहले सवाल ये है आकाश जी, सवाल ये है कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद भी देखना पड़ता है आपको। आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, आप सुनिए सवाल सुनिए। उन्होंने 4 महीने के लिए ही सही मंत्री बनाया तो सही, कम से कम 4 महीने में वो पूर्व मंत्री का तमगा तो लगा लेंगे, उन्हें पेंशन तो मिल जाएगी। ये 3 महीने में मंत्री बना के और केवल स्टेट मिनिस्टर, वो भी 3 महीना पहले चुनाव सर पे है, इनकी चर्चा हो रही है। हमने चीफ मिनिस्टर बनाए, हमने कई कई गवर्नर बनाए, कई सेंट्रल मिनिस्टर बनाए, उसकी कोई चर्चा ही नहीं। नहीं आपकी चर्चा हो रही है, आपने अभी 3 मिनिस्टर बनाए, आपने 2 चीफ मिनिस्टर। देश को जो मूल मुद्दा है आज जो है रोजी रोजगार, ना हम उन मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारा आज का वो मुद्दा ही नहीं है। अजय चौबे जी, हमारा आज का वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा आप लोगों ने जो कहा, इसका मतलब ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब विकास के मुद्दे पे नहीं चुनाव लड़ना चाहती। मतलब हम तो और अजय चौबे जी, हमारा जो आज का मुद्दा है, अजय चौबे जी, ना रुकिए भाई रुकिए, अरे आप सुन लीजिए।
अरे ठीक है तब आप चौबे देख आपको क्या लगता है कि मैं अजय चौबे जी आपको क्या लगता है मैं मॉब लिंचिंग पर डिबेट कर रहा हूँ तब आप आओगे यहाँ पर बैठने के लिए? आपको क्या लगता है कि मैं किसान आंदोलन पर डिबेट कर रहा हूँ? हर दिन वही डिबेट कराता हूँ। नहीं ये जो अभी तक जो ये चल रहे हैं जो पहली बार किसी सरकार में मंत्रियों को बताया है कि ये फला जाति के मंत्री हैं, ये नहीं बता पाई कि ये प्रदेश के मंत्री हैं, ये प्रदेश के 25 करोड़ 24 करोड़। अरे भाई ठीक है अगर तीन आप इनके संकल्प अगर जाति के जाति कोई सच्चाई चौबे जी उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति एक सत्यता है कि नहीं आप ये बताइए? जाति से इनकार किया जा सकता है? क्यों नहीं इनकार किया जा सकता है? कांग्रेस पार्टी का तो दर्शन ही है क्या है? क्या दर्शन है? तो क्यों आप जातिगत नहीं करते हैं तो क्यों आप लोग जो आपका जो वोट बैंक था उसमें SC ST ब्राह्मण सवर्ण और खाली दलित उसमें अल्पसंख्यक ही आता था, पिछड़ा कहाँ था उसमें? प्रदीप जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सभी धर्म और जाति के लोगों को लेके चलती रही हो बताए ना आप 55 साल में मैं बता रहा हूँ ना आपने देश में अरे भाई रेल दिए अरे सुन लीजिए आपने पूरा देश बनाया आपने पूरा देश बनाया सुनिए हमने ब्लॉक स्तर तक हॉस्पिटल दिया हमने गांव स्तर तक स्कूल और बातों का आपसे हो गई जी विकास के नाम पे चौबे साहब चौबे जी नारा देते रहे चौबे जी बात हो गई आपकी जी आप सवाल सुनिए सवाल अरे भाई सवाल सुनिए चौबे साहब सवाल ही नहीं सुन रहे आप दो साथियों के सवाल सुनिए सवाल सुनिए अरे पहले सवाल सुनिए सवाल भी सुनने का बात रखिए। आपने हॉस्पिटल बनवाया रेलगाड़ी बनवाई पूरे देश का विकास किया 55 साल में जो राज किया आपने और एक भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनाया यही कारण है कि 30 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी आपकी कांग्रेस बिहार है 32 साल हो गए। सुशील कुमार सिन्हा जी क्या चीफ मिनिस्टर नहीं थे तो क्या थे? सुशील कुमार जी के नाम से दलित संकट बना लेता उदय उदय जी उदय कुमार जी लोकसभा की अध्यक्ष थी क्या ये नहीं थी? इस बात को आप झुठला देंगे सर? पांच हमको अभी चरणजीत सिंह चन्नी जी पे आप चर्चा नहीं करना मैं कर रहा हूं साहब चीफ मिनिस्टर एक मिनट जी उदय जी कुछ कहना चाह रहे हैं ठीक है तो बना दे चीफ मिनिस्टर अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को किसी स्टेट में तो बना के दिखा दे ठीक है। और जो हमारे ब्राह्मण समाज से एक मंत्री बना के दिखा रहे झुंझुना वो भी आयातित नेता हमारी पार्टी से ले जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई ब्राह्मण नेता रह नहीं गया ठीक है? अकाल पड़ गया ठीक है? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक ब्राह्मण लीडर ही नहीं हो गए ठीक है? ठीक है भाई अरे आप तो नॉन स्टॉप अरे ठीक है चौबे जी अरे भाई औरों को भी इसे बोलने दो ठीक है ठीक अरे चौबे जी रुके भाई आप अरे एक मिनट के अरे 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 चौबे जी रुकिए भाई रुकिए भाई देखिए प्रदीप जी ठीक है उदय जी अपनी बात देखिए प्रदीप जी बहस ये नहीं है कि उन्हें मंत्री क्यों बनाया बहस ये है कि मंत्री इतने देर से क्यों बनाया मुद्दा ये है कि अभी जब 3 महीने रह गए तभी क्यों बनाया सवाल इस पर है आपत्ति सबको इस पर है इस पर नहीं है कि पिछड़ी जाति के आदिवासी समाज से या ब्राह्मण को बनाया उदय जी मेरा सवाल एक सेकंड मेरी पूरी बात मेरी बात सुनिए जी मेरा सवाल ये है कि अगर 3 महीने के लिए सही बनाया तो पहले की कांग्रेस की सरकार तो 55 साल में किसी को नहीं बनाती थी बहुत रेयर केस में बनाती थी सर कैसे नहीं केस में सर जी नहीं नहीं एक मिनट नहीं अंतिम समाज के पायदान पे खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में हमारी पार्टी ने लाई हमारे आदर्श आदरणीय महात्मा गांधी नहीं नहीं बहस कांग्रेस पर नहीं ना परिकल्पना की है जिसको हम कांग्रेसियों ने पूरे देश में स्थापित किया पहले हमारे यहां एक धागा और एक सुई तक नहीं बात हो गई एक मिनट अगर यही हाल अगर आपने सब कुछ किया देश के लिए किया प्रदेश के लिए किया उत्तर प्रदेश में 32 साल कांग्रेस बेहाल क्यों है? ये इसके लिए ये तीनों पार्टियां सर जिम्मेदार हैं अच्छा, के बाद मतलब आपकी हार के लिए तीनों पार्टियां जिम्मेदार नहीं हाँ, जो आप हार रहे हैं इसके लिए तीनों पार्टियां जिम्मेदार और जाति उन्माद में ले गई प्रदेश की जनता को छोड़ा लेकिन एक बात ये भी तो तय है सर कि कोई पार्टी 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में दोबारा क्यों नहीं बहुमत में आई इसका मतलब जनता के मानदंड पे वो खड़े नहीं उतरे जनता अरे वही प्रदीप जी एक चीज सुनिए जब कांग्रेस ने गलतियां की जी कांग्रेस ने गलतियां की इसीलिए कांग्रेस गई और दूसरी पार्टियां आई लेकिन आज वही गलती बीजेपी कर रही है मुद्दा ये है आप लोगों के विकास की बात करते हैं लेकिन विकास का अवसर तो दें विकास के लिए उन्हें अधिकार तो दें जो विकास के साधन हैं वो उन तक पहुंचे
ऐसा तो नहीं हो रहा, आप 3 महीने 4 महीने के जो मंत्री बना रहे हैं वो सिर्फ उस मंत्री को लिखने का मौका मिलेगा कि मैं मंत्री रहा, इससे तो विकास नहीं, नहीं नहीं इससे विकास कहां हुआ, नहीं नहीं इससे विकास नहीं हुआ, इससे तो दिखावा है, दिखावे पर ही तो आपत्ति है, मंत्री का तमगा तो लगेगा, नहीं नहीं तो यही तो दिखावा है, इसी का तो विरोध है कि भाई आप उनका विकास करिए, उनको समाज में आगे बढ़ाइए, तरक्की दीजिए। आकाश जी एक मिनट, उस्मानी साहब बहुत देर से बैठे जी, अन्याय नहीं करूंगा किसी के साथ में। उस्मानी साहब भाई कह रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए ही बनाया लेकिन कम से कम बनाया तो आपत्ति नहीं है क्यों बनाया भाई? आप एक एक मान लिया 7 आदमियों को आपने मंत्री बना दिया, एक को कैबिनेट बनाया, 6 को राजमंत्री बना दिया, तो 6 परिवारों का तो भला हो सकता है लेकिन इस मंत्रिमंडल से दलितों का, पिछड़ों का, दबे कुचड़ों का, व्यापारियों का भला नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सरकार जो है ये दलितों पिछड़ों के विरोधी है। जब से ये सरकार आई है केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, कैसे कह सकते हैं, तब से 50% का प्रतिनिधित्व दिया है, 50% सवर्ण है, 50% में दलित और ओबीसी है, इतने मंत्री बनाए हैं। अभी नीट की परीक्षा हुई है और नीट में पिछड़ों का आरक्षण मार दिया, एक खा गया आरक्षण, तो ये लगातार, अरे प्रधानमंत्री जी ने नीट में आरक्षण कर दिया, नहीं दिया, धन्यवाद दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, जो 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 आईएएस सिलेक्ट हो गए थे पिछली जांच के उनको भी बाहर कर दिया, 413 आईएएस जो हैं जो सिलेक्ट हुए थे मोदी सरकार आने के पहले, मोदी सरकार आने के पहले उनको भी बाहर कर दिया, तो ये तो पूरी तरीके से पिछड़ों के विरोधी है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनके भी विरोधी है। ज्योतिर्दया सिंधिया को इन्होंने मंत्री बनाया, उसके ड्राइवर ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से उसको चुनाव हराया और उनको मंत्री बना दिया। जितिन प्रसाद जी लोकसभा से 2 बार जमानत जब्त हो चुकी है उनकी, और अरे उस्मानी साहब आप इम्पोर्टेड नेता की बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी इम्पोर्ट नहीं करती है? आपने लालजी वर्मा को इम्पोर्ट किया, रामाचंद्र राजभर को इम्पोर्ट किया, आप दूसरे राजभर को इम्पोर्ट किया, तो पार्टियां तो सभी इम्पोर्ट करती है, अच्छे नेताओं की कदर तो सभी जगह है। वर्मा जी दिख रहा है सबको कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है, उसमें से लोग भाग भाग के और चालू जो भगदड़ मची हुई है, कहीं कोई निकल ही नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी टिकट काट रही है और वो सारे कह रहे नहीं हमको टिकट दीजिए, टिकट लेने के लिए मारा मारी मची हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हम जमीनी सर्वे करा रहे हैं, और जो जमीनी सर्वे में जो नेता जमीन पे काम कर रहा है उसको हम टिकट देंगे, और जो नए आए हुए लोग हैं वो पहले पार्टी में काम करेंगे उसके बाद उनको टिकट दिया जाएगा, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, वो टिकट ठीक जमीनी सर्वे तय करेगा, ठीक है, कौन जीत रहा है, कौन पार्टी तो कर रहे हैं ना, तो अगर जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने ले लिया, भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया कांग्रेस से, तो आपको आपत्ति क्या है? अच्छे नेताओं की वहां पर कदर है, हमको आपत्ति ये है कि इनके पास कोई ब्राह्मण नेता नहीं था इसलिए इन्होंने बाहर से आयोजित कर लिया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव को आप दीपक सोनकर से सवाल पूछिएगा जी, आप आकाश मिश्रा जी, आप दीपक जी से अपना सवाल पूछिए। मैंने बीच में नहीं बोला इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करिएगा, मैं आपकी बात का भी जवाब प्रदीप जी देना चाहता हूँ। पहले तो आपने ये कहा कि भाई दलित को अगर किसी पिछड़े को अगर मंत्री का पुरस्कार मिल गया तो इसमें क्या आपत्ति है, कम से कम वो नाम लगा सकेगा, लेकिन मुझे लगता है मंत्री पद एक ऐसा पद है जो समाज के लिए काम करने आया होता है। क्या आपको लगता है कि वो 3 महीने में जो कम समय मिला है, अभी आचार संहिता लग जाएगी दिसंबर या जनवरी से, क्या 3 महीने में बजट भी आ जाएगा, वो भला भी कर देगा? फिर आपने कहा कि कम से कम पेंशन मिलेगी, क्या आपको लगता है कि जिस आदमी को पेंशन मिलेगी तो वो समाज के लिए जाके उतनी पेंशन में समस्या दूर करेगी? प्रैक्टिकल होकर बात करिए, आप कुछ समझदार है, एक मिनट सवाल तो लीजिए ना,
सवाल ये है, अंग्रेजी में कहावत ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं थे कुछ तो भला है ना, कुछ भी ना मिलता उससे बड़ा तो है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एंड दिस अप्लाइज फॉर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। व्हाई? बिकॉज़ आई एम टेलिंग यू द रीजन आल्सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। प्रचार तंत्र की ये पार्टी है। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल विस्तार किया था तो जगह जगह होर्डिंग लगवाई गई जनता के पैसों से कि इस जाति का ये, इस जाति का ये, इस जाति का ये। उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपने चुनाव प्रचार में इन लोगों का इस्तेमाल करेगी। और सुन लीजिए, जनता के पैसे से जो होर्डिंग लगेगी उस पर लिखा जाएगा जैसे लिखा गया उत्तर प्रदेश नंबर वन। आज मैं आपको बता दूं, जितना पूरे देश में कुपोषण है तो सबसे ज्यादा कुपोषण उत्तर प्रदेश में है। गुंडा राज एनसीआरबी के डेटा छोटा सवाल पूछेगा, दीपक जी उसका जवाब देंगे। दीपक जी आप हमको ये बताइए कि आपने किसी दलित को बनाया, किसी बिंद को बनाया, किसी पिछड़े को बनाया, और अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपको ये 4.5 साल पहले जब सरकार बनी थी तब इनको अधिकार देना चाहिए, क्योंकि आज तो जो 59,000 भर्ती है उनसे भी आरक्षण छीनने का काम किया, और जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया तो योगी सरकार ने उनको लाठी से मारने का काम किया। तो मेरा प्रश्न ये है, आप भी मुझे वर्कआउट करके ये बता दीजिए कि इनको अपने लिए प्रचार करने के लिए बनाया है या इनके समाज के लिए, और अगर समाज के लिए तो 3 महीने के अंदर कैसे अपने समाज के लिए काम करेंगे। जी दीपक, कांग्रेस के प्रवक्ता जी की मैं बौखलाहट को समझ रहा हूं कि 55 साल से देश में कुछ नहीं किया और 32 साल से प्रदेश में गायब है, और दूसरे की बौखलाहट को बौला करके सब कुछ बंद करा दे, और इस तरीके की बौखलाहट से समझ में आ रहा है भैया हम लोग जातीय मुद्दे पर गदगद कर रहे हैं, हम लोग विकास के मुद्दे पर बात करना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने घोटाला किया, उसके बाद आप ऐसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपने क्या किया है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर उसको बदल कर दिया है, उसका जाति और धर्म का दुख देश की विरोध पर इस बात का जी आप लोगों को शर्म करना चाहिए। लक्ष्मी काम बांटते ही ये बीजेपी के जाति ही तय करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लक्ष्मी काम बांटते ही जो स्कूटर पर बैठकर प्रचार करते थे लोग सारे बात पूरी हो गई। दीपक सोनकर जी, मैं आपके पास दोबारा से आ रहा हूं, एक सवाल के साथ आ रहा हूं। देखिए मुझे इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं अपनी बात रख रहा हूं। ठीक है ठीक है, आपकी बात हो गई। दीपक सोनकर जी रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा अजय चौबे जी के पास चल रहा हूं, और अजय चौबे जी का एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। दीपक सोनकर जी वो कह रहे हैं कि उन्होंने दो
पिछड़ों के मुख्यमंत्री बनाए, एक दलित का मुख्यमंत्री बनाया और लंबे समय से वो लोग राज कर रहे हैं। आपने 6 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए उनको बनाया। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री जी भी पिछड़े वर्ग से, वो भी राज्य मंत्री, बताना चाहता हूँ। हमारे तो पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी आते हैं, पिछड़े वर्ग को भी सम्मान देकर के ये मंत्री बनाया है। तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, वो किस वर्ग से आते थे? जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी तो हमने देश को अर्थशास्त्री दिया। नहीं नहीं, बात की आर्थिक अर्थशास्त्री की नहीं हो रही, हमने रुकने नहीं दिया। ना ना, बात अर्थशास्त्री की नहीं हो रही है यहाँ पर जी। और आप पिछड़े और अगले में देश को विखंडित करना चाहते हैं जी। कितनी मुश्किल से हमने, कांग्रेसियों ने देश को बनाया था। नहीं नहीं, सवाल नहीं नहीं, दीपक सवाल नहीं नहीं, आकाश मित्र, अजय चंद चौबे जी, अजय चौबे जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, अगर आपने देश को इतना बनाया, देश ने आपको इतना प्यार दिया, 55 साल आपने लगातार राज किया, फिर अचानक से देश और प्रदेश की जनता ने आपको पूरी तरह से नकार क्यों दिया? अचानक से क्षेत्रीय दल और ये भारतीय जनता पार्टी जैसे धार्मिक उन्माद वाली पार्टियों का अभ्युदय हुआ और जनता इनको समझ में नहीं पाई। इन्होंने बार बार ये मौका परस्त और अवसरवादी और जातिवादी और ठीक है। ताकतों ने इस प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। ठीक है। अब वो पूरी देश की जनता के सामने आ चुका है। अब मैं योगी राज के सुशासन के बारे में पूछना चाहता हूँ। समाप्त में वो महिला जो कोरोना पीरियड में अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, वो इनका कुशासन नहीं तो क्या सुशासन? समय समय समाप्त, सवाल का समय समाप्त हो गया। उदय यादव जी, आपका फाइनल, ना ना समय समाप्त, उदय यादव जी आपका फाइनल कमेंट। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गन्ना किसानों से कहते हैं कि चीनी मत बोइए, देखिए आप गन्ना मत बोइए, शुगर होता है। ठीक है, उदय जी को भी सुन लीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है। देखिए, मोदी जी ये वादा करके आए थे कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि इन्होंने बहुत घोटाले किए हैं, इसलिए हम देश को एक बेहतर समाज देंगे। फाइनल कमेंट के लिए जा रहे हैं, उदय जी को सुन लीजिए आप। लेकिन वही आज स्थिति यह है, जो ये कहते हैं कि कांग्रेस शासन में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 6 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने जा रही है केंद्र सरकार, वो संपत्ति किसने बनाई थी? स्वाभाविक है वो कांग्रेस सरकारों ने बनाई, और ये सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। योगी जी के पास भी चूंकि विकास की चीजें दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए वो जाति मुद्दा खेलने के मूड में है, और इन जातियों को जो अंतिम समय में मंत्रिमंडल में शामिल किया है सिर्फ वोट पाने के लिए, उनका मकसद विकास से नहीं है। विकास किया होता तो विकास के मुद्दे पर लड़ते, विकास की बातें सामने लाते, विकास की घटनाएं सामने लाते, जो कुछ किया है वो सामने लाते। नहीं ला रहे, वो आ रहे। उस्मानी साहब, आपका फाइनल कमेंट। ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, इससे इनको कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता का मन जो है वो पूरा बन चुका है उत्तर प्रदेश से इनको सत्ता से बेदखल करना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो ये विकास विकास की बात बार बार कर रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने सब बेच दिया, इन्होंने तेल बेच दिया, गेल बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, जहाज बेच दिया, 6 लाख करोड़ की संपत्तियों को बेचा है इन्होंने। ये विकास है इनका, क्या ये एक विकास किया है? सबका साथ, सबका विकास नहीं नारा है तुम्हारा? बात हो गई आपकी। सबका साथ सबका विनाश है तुम्हारा नारा, सबका विनाश है तुम्हारा नारा, यही फाइनल कमेंट। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सत्यानाश। ठीक है आकाश जी, आपका फाइनल कमेंट, 20 सेकंड है आपके पास। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, ये जो जाति और धर्म की बात हो रही है, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सारी पार्टियों से कि अब जनता बहुत त्रस्त है कोरोना काल में, और जिस तरह हमारे देश की आर्थिक स्थिति चौपट हुई है इस सरकार में, मैं कहना चाहता हूँ कि अब जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इसीलिए आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों पर ही बात कर रही है। जाति धर्म से हटकर हम बिजली की बात कर रहे हैं, हम पानी की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं, और हम लोगों की सहूलियत की बात कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमें जाति और धर्म से मतलब नहीं, क्योंकि हम जो सुविधा देंगे वो हमारे देश और उत्तर प्रदेश के नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अजय चौबे जी आपका फाइनल कमेंट जी। देखिए, भाजपा का जो नारा है वो अब सबका साथ कुछ का विकास हो गया है, हम तो हमारे दो का विकास और बाकी पूरे देश का सर्वनाश,
तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अब प्रदेश की जनता मूर्ख बना चुकी है 2022 में आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बनाने के लिए। और योगी जी चाहे जनता टोना टोटा कर लीजिए, आप 600 मंत्री बना लीजिए, लेकिन आप 20 सीट भी नहीं पाने जा रहे हैं। अब आपका जो है चोला जो है वो उतर चुका है, ठीक है, हो गई। अरे चौधरी जी बात हो गई, 20 सेकंड आपके पास, इतना झूठ बोलते हैं। दीपक सोनकर जी चीफ जस्टिस आप हुए, अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक भाई चंचूर समय समाप्त हो गए। लोकतंत्र और सत्य साथ साथ चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में झूठ और फ्रॉड सब साथ साथ चलते हैं और जुमला साथ साथ चलता है, ठीक है, जनता को बेवकूफ बनाने चौबे जी ये नहीं चलने दिया जाएगा, ठीक है, चुनाव आपको प्रदेश और देश की। अरे भाई चौबे जी ठीक है, ठीक है, हो गई, हो गया, हो गया, बहुत अरे ये जनमंच नहीं है चौबे जी, ये मंच नहीं है, चौबे जी राजनीतिक मंच नहीं है भाई, ये राजनीतिक मंच थोड़ी ना है, आप टीवी पर डिबेट कर रहे हैं। दीपक सोनकर जी आपका फाइनल कमेंट। ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ हम काम करेंगे, जैसा कि भाई हमारे मित्रों ने सपा के प्रवक्ता जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बताया, हम विकास के मुद्दों पर जाकर के चुनाव में रहेंगे। इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी की 300 से ज्यादा सीटों पर हम लोग जीत हासिल करेंगे और विकास के क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप भैया अभी बिजली का उदाहरण देना चाहते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं बिजली की वर्तमान स्थिति में क्या है। पूरे शहर के अंदर 24 घंटे बिजली रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली रहती है, व्यवस्था की बात है। ठीक है दीपक सोनकर जी, अब विकास का चर्चा करने का समय नहीं बचा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, अरे भाई आकाश जी बात हो गई, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि उसने लाइन में लगे अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और दलितों पिछड़ों को जो प्रतिनिधित्व दिया है वो विपक्ष को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए विपक्ष अनाप शनाप आरोप लगा रहा है। तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि 3 महीने के लिए लॉलीपॉप दिया गया है दलितों और पिछड़ों को, 4.5 साल तक क्यों नहीं किया गया, और जवाब दोनों के सवाल दोनों के सही है, जवाब भी दोनों के सही है। अब जनता तय करेगी कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि 2022 का रण अब बहुत जल्दी होने वाला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।